नमस्कार दोस्तों, आर एस डिजाइनर स्टिचिंग में आप सभी का स्वागत है। तो आज के वीडियो में ब्लाउज का बैक नेक डिजाइन बनाना बताएंगे। तो इस तरह देखिए, अस्तर और कपड़े पर इसे हमने साइज के हिसाब से कट कर लिया है। तो देखिए, ये नाप आप 34 इंच साइज के लिए हम बना रहे हैं। 36 इंच और 34 इंच साइज के लिए ये नाप रख सकते हैं। तो इसकी जो ब्लाउज की तैयार लंबाई है 13.5 इंच होगी। तो यहाँ पर देखिए, हमने 1 इंच ज़्यादा लिया है। पूरी लंबाई इसकी 14.5 इंच ली है। शोल्डर इसका 6.5 इंच लिया है। आर्म होल भी 6.5 इंच लिया है। अब इसके गले की कटिंग कर लेना है। गले की चौड़ाई 3.5 इंच लेंगे। गहराई इसकी 10 इंच। अब देखिए, ऊपर से 3 इंच पर एक निशान बनाएंगे। 3 इंच पर तो ये इस तरह से 3 इंच पर हमने लिया है। यहाँ से 2 पॉइंट छोड़ते हुए यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा आधा इंच और लेंगे, यानी यहाँ पर जो इसकी चौड़ाई है 4 इंच आ जाएगी। इस तरह से देखिए, गले का सेप दे देना है। अब देखिए, डिजाइन के लिए यहाँ पर हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाएंगे। इस तरह देखिए, यहाँ पर 1.5 इंच डिजाइन के लिए ले लिया है। अब बुकरम पर इसे निकालना है। तो इस तरह देखिए, बुकरम को इस तरह बराबर करके मोड़ लेना है। उसके बाद देखिए, गले जहाँ से इसे मोड़ा है यानी आधे पर, इस तरह से मिला कर रखना है। उसके बाद देखिए, निशान अच्छे से समझ में आ रहा है तो इस पर बना लेंगे। आप डायरेक्ट बुकरम पर भी कट कर सकते हैं या इस तरह से भी। तरह से मोड़ेंगे और दूसरी साइड भी इसका निशान बना लेंगे। इस तरह देखिए, इसे कट कर लिया है। तो इस तरह देखिए, गले को कपड़े पर रख के हमने प्रेस कर दिया है। तो ये अच्छे से जो बुकरम है तो कपड़े पर अच्छे से पेस्ट हो गया है। या तो आप इस तरह रखकर सिलाई भी लगा सकते हैं। देखिए, गले के बिल्कुल बराबर से इस तरह से निशान बना दिया है। अब देखिए, जो ज़्यादा कपड़ा है उसे कट करना है। अब देखिए, जो थोड़ा सा कपड़ा बचाया हुआ है उसे इस तरह से मोड़ कर सिलाई लगा देना है। इस तरह देखिए, सिलाई लगा दी है। उसके बाद देखिए, अस्तर और कपड़े पर भी सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए, नीचे की साइड में लगा दी है। पूरे पैर इसी तरह से सिलाई लगा लेना है। तो देखिए, साइड से भी सिलाई लगा दी है। अब इस तरह देखिए, इसको बराबर से गले को बराबर से मोड़ लेंगे और मोड़ने के बाद इस तरह से दबाएंगे। तो देखिए, निशान आ गया है। तो इस तरह से इस पर भी बिल्कुल बराबर से इस तरह निशान बना लेना है। अब देखिए, गले को लेंगे और जो इस पर निशान बनाया है और जो गले पर निशान बनाया है उसको इस तरह से मिलाते हुए रखना है। मिलाकर इस तरह से रखकर इस पर सिलाई लगानी है।
सिलाई लगा दी है, अब इसे कट कर लेना है। करने के बाद देखिए पूरे गले पर इस तरह से कट लगा देंगे। अब देखिए इसको इस तरह से पलट लेना है अंदर की तरफ। यहाँ पर देखिए जो कपड़ा अभी दबा है उसे इस तरह से अच्छे से निकाल लेंगे। अब देखिए अच्छे से बनाते हुए पूरे गले पर सिलाई लगा देना है। तो इस तरह देखिए गले पर सिलाई लगा दी है। इस तरह कपड़ा लेंगे। तो इस तरह देखिए पट्टी तैयार करनी है, इसकी चौड़ाई 1 इंच ली। अब देखिए इससे इस तरह से डिजाइन बनानी है, इसको इस तरह से बांध लेना है बराबर से, धागे से अच्छे से पहले बांध देंगे। अब देखिए इस पर एक मोती लगा देंगे। इसी तरह से सारे डिजाइन बनाकर तैयार कर लेनी है। तो इसी तरह से देखिए हमने सारी डिजाइन तैयार कर ली है जितनी लगनी है। अब देखिए इस तरह से न्यूज़ पेपर लेंगे, इसको इस तरह डबल फोल्ड करके ले लेना। गले को अच्छे से इस तरह से मिलाकर रख लेना है इस पर। उसके बाद देखिए इस तरह गले का निशान बना लेना है, 1.5 इंच चौड़ाई पर इस तरह से बनाना है। तो देखिए इन डिजाइनों को इस तरह से इस पर सेट करना है। इस तरह देखिए इसे अच्छे से सेट कर दिया है और इस तरह से कट कर दिया है। अब देखिए इस पर पाइपिंग बना लेना है।
तो इस तरह देखिए फ्राई पैन अच्छे से बना दिया है। अब देखिए इसको इस तरह गले पर सेट कर देना है। इसे अच्छे से सेट कर दिया है। उसके बाद देखिए ये पेपर को निकाल देना है। इस तरह देखिए पेपर को निकाल दिया है। अब देखिए लेसेंगे। तो देखिए इसी तरह दूसरी साइड भी लगा लेना है। तो देखिए दूसरी साइड भी इसको लगा दिया है। अब इसका प्लेट बनाना है। उसके बाद देखिए नीचे की साइड में भी इसको लगा देंगे। देखिए अब ये डिजाइन बनके तैयार है। गले पर डोरी लगा देंगे, बाद में इसे अच्छे से लगा देंगे। तो अगर डिजाइन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए डिजाइन के साथ। धन्यवाद।